अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आप लोगों का पहले तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स किए मुझे, और साथ साथ मेरी वीडियो को आपने शेयर भी किया दोस्तों के साथ। तो इसी लिहाज से व्यूअर्स, आज मैं एक और छोटा सा प्रॉब्लम था, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हुआ चलूँ, क्योंकि ये एक है प्रिंटर LQ310। वैसे तो नॉर्मली ये बहुत कम यूज़ होता है घरों में ख़ास तौर पे, लेकिन ये है कि ये प्रिंटर ज़्यादातर बैंक्स वगैरह में या मुख्तलिफ ऐसी जगह पे जहाँ पे कंटिन्यूसली शीट जो बहुत ज़्यादा निकलती है प्रिंट निकालते हैं, या आप बिल जहाँ पे काउंटर के साथ ज़्यादातर ये लगे होते हैं बिल इसमें से निकालने के लिए, या जो भी है स्लिपें वगैरह निकलती हैं, तो उस लिहाज से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। एक तो ये प्रिंटर ये डॉट मैट्रिक्स है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ये है कि वो तो आप लोगों को जो इसका काम करते हैं उनको तो पता होगा, आइडिया होगा डॉट मैट्रिक्स क्या होते हैं। प्रिंटर टोटली तीन क्वालिटी के होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स होता है, और एक होता है इंक जेट प्रिंटर, और एक होता है लेजर जेट प्रिंटर। इन बारे में मैं वीडियो डिटेल या इनके बारे में जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को एक और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इनकी इनमें आपस में प्रॉब्लम ज़्यादातर डिफरेंस क्या है, तो वो तो बाद की बात है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ वो इस प्रिंटर का ये है कि इस प्रिंटर में इसको जब ऑन करते हैं तो इसकी ये कार्ट्रिज है, मूव करते हुए फंस जाती है, रिबन वगैरह इसका रुक जाता है। इसका ये है कि जस्ट इसका ये रिबन ड्राइव असम्बली इसको कहते हैं, ये जो लगी है ये इसकी डैमेज है, जस्ट इसको हम रिप्लेस करेंगे, और बाकी इसकी मैं आपको एडजस्टमेंट बाकी दे चेक करा दूँगा कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है और कैसे हो सकती है। तो आए व्यूअर्स, इस को प्रिंटर को ओपन करते हैं, ओपन करके इसके साथ फिर हम वर्क करते हैं। तो ये अभी हम इस प्रिंटर को खोलने लगे हैं, खोल के इसको चेक करेंगे, और खोलने का तरीका मैं आपको बताता हुआ चलूं कि इस प्रिंटर को आप किस तरीके से इजीली खोल सकते हैं। ये इसका ट्रैक्टर लगा होता है, इस ट्रैक्टर के साइड पर ये हुक्स लगी होती है, ये लॉक होता है छोटा सा, इस लॉक को प्रेस करेंगे, दोनों हैंड पर लगा होता है तो ये ट्रैक्टर बाहर निकल आएगा, इसको निकाल के आप इजीली, क्योंकि इसको निकालने के बगैर निकालना ज़रूरी है, इसको जब तक निकालेंगे नहीं तो प्रिंटर ओपन नहीं होगा। उसके बाद ये स्क्रू लगे होते हैं, इस स्क्रू को खोल लेंगे, इसके बाद ये इसका रिबन निकाला, एक यहाँ पे स्क्रू, इसके फोर स्क्रू होते हैं, चार स्क्रू लगे होते हैं ये थर्ड, और एक ये जगह है, ये चार स्क्रू खोल लिए आपने। उसके बाद ये इसकी नॉब लाजमी निकाल लेनी है, नॉब निकाले बगैर ये ऊपर वाला टॉप कवर ओपन नहीं होगा, टॉप कवर को उतारते वक्त एहतियात निकाल लें, उसको साइड पर रख लें। अब आप देखें कि ये पूरा प्रिंटर है, इसका ये फ्रंट पैनल लगा हुआ है छोटा सा, ठीक है, उसके बाद इसका ये हेड होता है जो राइटिंग करता है, हेड के साथ ये रिबन मास्क है, जो रिबन मास्क आगे लगा होता है जिससे वो राइटिंग पेपर के ऊपर आती है। उसके बाद ये इसका रोलर है बड़ा, जो पेपर को मूवमेंट के लिए आगे पीछे धकेलता है, साथ ये गियर सेट हैं इसके, ये गियर सेट लगे हुए हैं। उसके बाद इसमें जो लास्ट है ये बैक साइड पे लगा हुआ है, ये आप देखें, ये इसकी फॉर्मेटर बोर्ड लगा होता है, और सॉरी ये इसकी पावर सप्लाई है, पावर यहाँ से इसको दी जाती है। उसके बाद इसके ये जो फ्रंट पे पैनल लगा हुआ है, इस पैनल के नीचे ये इसका फॉर्मेटर बोर्ड लगा होता है। पावर सप्लाई का काम तो आपको पता ही है कि पावर सप्लाई इसको ऑन वगैरह करने के लिए काम आती है, और मुख्तलिफ मोटर्स वगैरह को वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड करती है। और दूसरा ये है कि ये जो फॉर्मेटर कार्ड होता है, फॉर्मेटर कार्ड बाकी जो डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है, हेड को मूव करना है, हेड को चलाना, पेज वगैरह अप एंड डाउन, ये वो सारी सेटिंग इसमें होती है, वो फॉर्मेटर बोर्ड का काम है। उसके बाद आप लोगों ने बाज़ का देखा होगा कि जब आप पेज लगाते हैं हेड रोटेट होता है तो हेड साइड पे एक ज़ोर से जाके लगता है, तो उसका ये मैं आपको बताता हुआ चलूँ। ये देखें, ये इसका एक स्विच लगा हुआ है, ये जब हेड इसको इसके पास आएगा इधर, ये इस तरफ होगा तो हेड को ये रोक लेगा, रोकने के बाद हेड को मूव कर देगा दूसरी तरफ, जब यह हेड दूसरी तरफ जाके जब वापस फिर इधर आएगा तो यह हेड को कंट्रोल करने के लिए होता है। उसके बाद आप ये देखें कि ये इसकी एडजस्टमेंट है, जब आपका पेज प्रिंट हो रहा होता है या कुछ हो रहा होता है तो इसका लाइट प्रिंटिंग आ रही हो, डिम प्रिंटिंग आ रही हो, या जो सेटिंग करनी हो, डार्क करनी हो, तो इससे आप उसको हेड की मूवमेंट को सेट करते हैं,
इसको बैक करने से, जब आप नया रिबन लगाएंगे इसको बैक पे रखेंगे ताकि ये कि वो राइटिंग ठीक करे। जैसे जैसे राइटिंग मध्यम होगी आप इसको स्टेप बाई स्टेप आगे करते जाएँ। अच्छा, दूसरा तो व्यूवर्स ये चीज़ है, और तीसरा ये है इसकी हेड की सेटिंग। बाज़ का जी होता है कि प्रिंटिंग हाफ़ प्रिंटिंग ठीक आ रही होती है, हाफ़ कटिंग आ रही होती है। इसका ये जो लगा हुआ है रॉड सा लगा हुआ है जिसके ऊपर हेड रोटेट होता है, इस रॉड की सेटिंग होती है। इस रॉड की सेटिंग कैसे होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूँ। ये देख लें, ये इसकी सेटिंग लगी होती है। ये देखें, इसके साथ ये डॉट 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 लगे हैं। इसको मूव करेंगे इस साइड पे या इस नीचे वाली साइड पे तो इसकी एडजस्टमेंट होती है। अभी ये एडजस्टमेंट इसकी बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं अभी, जस्ट आपको बताने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो व्यूअर चलें अभी रिबन इसका लगाते हैं, रिबन कह रहा हूँ, रिबन ड्राइव असेंबली इसकी लगाते हैं। यह हेड हमने निकाल लिया, हेड की कैप ने इसे डिसेबल कर ली। उसके बाद इस राड को एक साइड पे मूव करके इस राड को हम निकाल लेंगे बाहर। अच्छा, तो ये वाला रिबन, ये वाले जो हमने राड आपको दिखा रहे थे ना, उस राड की सेटिंग के लिए, इसको हमने साइड पे कर लिया, फुल साइड पे करके अब इसको हम बाहर निकालेंगे, जिससे राड को हम इजीली बाहर निकाल लेंगे। यानी राड को निकालने के लिए इसको यहाँ से बिल्कुल एंड पे लेके यहाँ से इसको पुश करेंगे। ये आप रिबन ड्राइव असेंबली देख लें, ये बिल्कुल देखें, ये एक साइड से डैमेज हुई है, टूटी हुई है। तो इसके बदले हम इसको अब दूसरी नई रिप्लेस करेंगे, नए वाली वो ये वाली है, ये अब हम नई इसको लगा रहे हैं, जिस पे हेड की फिटिंग और ये रॉड की जगह बनी होती है। और इसके नीचे आप ये अगर देखें तो एक साइड पे ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये इसके लिए होती है कि वो जो आपको मैंने सेंसर बताया था ना, ये स्विच लगा हुआ छोटा सा, इस स्विच को जाके जब इस स्विच के साथ टच होती है तो जब ये स्विच ऑन ऑपरेट होता है तो इसको हेड को रोक के वापस दूसरी तरफ धकेल देता है। तो इसलिए अब ये जो रिबन ड्राइव असेंबली है ये हम दूसरी लगा रहे हैं। ये नीचे रिबन ड्राइव असेंबली की एक और मैं आपको चीज़ बताना भूल गया हूँ, ये देखें, ये इसका बेल्ट होता है। बेल्ट इसके जो रिबन ड्राइव असेंबली होती है इसकी बैक साइड पे ये होक सी बनी है, इस होक के अंदर वो इंसर्ट होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर वो बेल्ट लग जाएगा। वही वाला राड जो हमने इस लॉक को निकाल के राड को बाहर निकाला था। इसकी हेड केबल्स जो हैं ये हेड के पीछे लगेंगी, ये स्टेप आप देख लें।
अब इसी तरीके से उसका टॉप कवर, अब इसको बंद करेंगे वापस। इसकी नॉब को उसी तरीके से वापस लगा देंगे। तो ये प्रिंटर को ऑन कर लिया, अब इसका पेज यहाँ पे लगा के ना इसका हम टेस्ट पेज लेंगे। अब पेज ये इंटर हो गया। अब इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑफ़ करना है प्रिंटर को। जब ऑफ़ हो जाएगा, ऑन करने से पहले आपने एक ये पॉज वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसकी ये सेटिंग्स वगैरह सारी निकालेगा। और अगर आप ये लेफ़्ट फॉरवर्ड का ये करेंगे तो इसका प्रेस करके रखेंगे तो आपकी ये राइटिंग शो करेगा कि उसकी हेड की राइटिंग कैसी है। अब इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ, वो ऑन कर देगा प्रिंटर। ये मैंने प्रेस किया हुआ था, शो लूँगा। अब ये इसकी प्रिंटिंग आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे इसको आगे करेंगे तो राइटिंग ये। अब हमने इसका पेज निकाला है जिसमें आप ये देख सकते हैं इसकी जो राइटिंग है बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई इशू नहीं, कोई मिसिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसमें आप ये प्रिंटर बिल्कुल ओके है। अच्छा तो व्यूवर ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ चलो कि ये तीन कैटेगरी होती हैं। तो इसमें ये है कि ये छोटे छोटे जिस तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, और मुझे इसका कोई फॉल्ट वगैरह आपको आ रहा है या कोई इश्यू वगैरह आ रहा है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो व्यूवर्स आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, मेरी वीडियोज़ को शेयर किया और मेरे मुझे अप्रिशिएट किया, और जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन जो भी मेरे पास कोई नई चीज़ आती है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो ये इस 310 की थी, और नेक्स्ट कोई अगर कोई और प्रिंटर आता है तो उसकी वीडियो मैं इनकरी भी आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो व्यूवर्स आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।